अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, नासिर हुसैन उस्ताद साहब जब से नॉमिनेशन फ़ाइल किए हैं, मुसलसल लोगों की तायीद में इजाफ़ा होता जा रहा है और अवामुन्नास खुलकर उनकी तायीद में आ रही है। मुख्तलिफ़ एसोसिएशंस, मुख्तलिफ़ जमातें आज नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ नज़र आ रही हैं। कल बरोज़ जुम्मा बागबान बिरादरी की जानिब से उनके मुकम्मल तायीद का ऐलान किया गया था। अब यानी कि आज जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि एक तारीख जो गुलबर्गा शहर ने कायम की है कि हम हमेशा एक मजबूत क़यादत देते आए हैं, वो तारीख़ को फिर एक बार दोहराने का जो वक्त आया है, उसमें मुसलसल जोंक दर जोंक लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं आप सभी से इसके साथ साथ ये भी गुजारिश करता हूँ कि कल बरोज़ इतवार 30 अप्रैल बमकाम मुस्लिम चौक 7 बजे से 10 बजे तक एक अजीम व शान जलसा मुनक़िद है जनता दल सेकुलर की जानिब से नासिर हुसैन उस्ताद साहब की ज़ेर क़यादत, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब उबैदुल्ला खान आज़मी साहब, साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जनता दल सेकुलर के स्टार कैंपेनर यहां पर अपना खिताब फरमाएंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुस्लिम चौक पर इस इजलास में शिरकत करने के लिए आएँ, और जो हमेशा से मुस्लिम चौक एक पैगाम देने का काम करता आया है, वो फिर एक बार एक बड़ा पैगाम अवामुन्नास को मुस्लिम चौक से देने के लिए जनता दल सेकुलर की जानिब से नासिर हुसैन उस्ताद साहब आपको दावत देना चाह रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे में शिरकत करें और जनता दल सेकुलर की तायीद करें, नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत और उन्हें 10 मई को होने वाले इलेक्शंस में कामयाब करने के लिए वहाँ पर मौजूद रहें। इंशाल्लाह ठीक 7 बजे से जलसे का आगाज़ होगा। आप तमाम से गुजारिश है कि उबैदुल्ला खान आज़मी साहब ख़ास करके इस इजलास में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, आप तमाम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और इस जलसे को कामयाब से कामयाबतर बनाएं।